का पहला त्योहार मकर संक्रांति है। इसी त्योहार को लेकर बाजार तिलकुट रंग बिरंग पतंगों से सज चुका है। लोग जमकर तिलकुट और पतंगों की खरीदारी कर रहे हैं। इसी के साथ महिलाओं के हल्दी कुमकुम से जुड़ी चीजें भी बाजार में दिखाई दे रही है और इसी श्रृंखला में हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने जायजा लिया है शहर के विविध बाजारों का। मकर संक्रांति त्योहार पास आते ही बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। महिलाओं ने तेल गुड़ के साथ भेंट वस्तु वाहन की खरीदी के लिए मार्केट का रुख कर लिया है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन तेल का विशेष महत्व हल्दी कुमकुम लगाकर वाहन भेंट करती है। इस कारण महिलाओं के लिए यह त्योहार विशेष माना जाता है। त्योहार के मद्देनजर बाजार में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। वाहन के लिए बाजार में स्टील के बर्तनों के साथ प्लास्टिक की चीजें सौंदर्य सामग्री सहित अन्य तरह की वस्तुएं महिलाओं को आकर्षित करी हैं। लोगों द्वारा तिलकुट के साथ तेल से बनने वाली एक से एक मिठाइयों की खरीदी की जा रही है। वहीं कई स्थानीय स्थानों पर छोटे छोटे वाहनों में व्यापारी तिलकुट की मिठाइयां बेचते नजर आ रहे हैं। इस त्योहार की खास बात यह है कि यह जनवरी माह की 14 या 15 तारीख को ही आता है। त्योहार पर बेर और गन्ने की भी पूजा की जाती है। इस कारण बाजार में बेर गन्ने की मांग बढ़ने से आवक भी बढ़ गई है। इस वर्ष बाजार में बेर और गन्ना बड़े पैमाने पर आ गए हैं। संक्रांति की पूर्व संध्या पर हम आए हैं शहर के पतंग बाजार में। आप देख पा रहे हो कि पतंग के लिए जो है खरीदारी करने के लिए पतंग के जो चहेते हैं उनकी यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे साथ एक पतंग लेकर खड़े हैं, उन्होंने काफ़ी सारी पतंगें ली है। क्या बताओगे, संक्रांति का पर्व है, आपने पतंग खरीदी है, इतनी सारी पतंगें आपके पास है, क्या बताओ? कुछ नहीं मैम, संक्रांति का त्यौहार है और कल आपको पता ही है जैसे 15 जनवरी सब पतंग और आकाश पूरा भरा रहेगा, सो उसी की तैयारियां चल रही है। इस बार कौन से पतंग का ट्रेंड चल रहा है और क्या नया आया है? इस बार मैम पतंग में वैरायटीज काफ़ी ज़्यादा है पिछले बार से। इस बार जैसे कि देखोगे आप लंगोट चिल और बाकी लंगोट आखेदार रॉकेट ये सब पतंग ही है, बट इस बार वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है पतंगों में और कलर के हिसाब से और बाकी जो बोलेंगे अपन कि साइज़ या फिर क्वालिटी वो भी अच्छी है। इस बार मांझा होता है नायलॉन का मांझा, इसके लिए आप क्या बताना चाहोगे, आप कौन सा मांझा यूज़ करते हो? मैं तो बरेली यूज़ करता हूँ क्योंकि नायलॉन तो बैन है और बिल्कुल यूज़ भी नहीं करना चाहिए एनवायरमेंट स्पेसिफिक और वैसे वातावरण के हिसाब से भी, क्योंकि नायलॉन आप सभी को पता ही है कि कितना हानिकारक बन जाए और वो ना ही यूज़ करें तो बेहतर होगा हम सब के लिए। क्या बताओगे, आपके दुकान में भी काफ़ी सारे पतंगे दिखाई दे रही है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है और ग्राहकों की क्या मांग है? पतंग तो काफ़ी वेराइटीज़ की है बट कस्टमर हर बार नई पतंग यूज़ करते हैं, वो उनको जितनी भी पतंग बताई जाए उनको कम ही लगती है और इस बार मार्केट में काफ़ी बहुत सारी दुकानें लगी हुई है क्योंकि महंगाई भी इतनी बढ़ रही है और सभी अपने हिसाब से अलग अलग पतंग अपने दुकानों में रख रहे हैं तो गिराई कैसा है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि एक के दुकान में अलग पतंग दिख रही है दूसरे के दुकान में दूसरी है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर में, तो इससे कैसा है थोड़ा सा गिराई की कम हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि पतंग मार्केट में हर साल की तरह इस साल भी भीड़ है, नए पतंगों का ट्रेंड भी चल रहा है और ख़रीदारी के लिए जो है जहाँ पतंग उड़ाने के चाहने वाले जो है जो भी पतंग उड़ाना चाहते हैं वो आकर यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रंग बिरंग पतंगों से ये पूरा मार्केट जो है सजा है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की भीड़ भी काफ़ी दिखाई दे रही है क्योंकि एक दिन पहले का ये दिन है और कल पतंग उड़ानी है, इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरे मार्केट में आप देख सकते हो कि पतंगों से ये मार्केट सजा है, साथ ही साथ लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। महिलांचं हळदी कुंकूचं आहे तर त्याच्यासाठी शॉपिंग सुरू आहे तर त्याच्यासाठी ट्रे वगैरे नवीन नवीन वस्तू सगळे गोळा करतात आहे आणि त्याच्यामुळे सगळ्यांची म्हणजे जिथे तिथे गर्दीच असल्यामुळे सर्वच घेतात आहे। थँक्यू। मकर संक्रांति के लिए जो है आह्वान की चीज़ें सुहागने औरतें जो है एक दूसरे को देती है हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम के दौरान, वो चीज़ें हमारे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम फिलहाल उपस्थित हैं महल के मार्केट में और यहाँ कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ दिखाई दे रही है हमें। आप देख पा रहे हो स्टील की भी घरेलू वो चीज़ें हैं, साथ ही साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक यूज़ में आने वाली कुछ चीज़ें हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं वो ये चीज़ें खरीदती हुई हमें दिखाई दे रही है। आना सामान घेसाटी आलो है आम्ही महालवर आणि चांगला चांगला वस्तु है इधे
तो म्हणजे पाहण्यासारखं खूप आहे, तर आम्ही बघत आहे. हम देख रहे की महिलाएं बहुत सारी खरीदारी कर रही है. यहाँ एक काकू है, उन्होंने लिया है ये डब्बे का एक सेट लिया है. क्या बताओ, वान के लिए आप वान घायला आलेले आहे. कैसी चीज है, क्या क्या दिखाई दे रहा है नया? नया तो सब है मगर सब महंगा ही है. महंगाई की मार इस पर भी है. महंगाई इसलिए सब घर का बजट देख के अपने को सब ये लेना पड़ेगा. अभी लेडीज को साड़ी लेते समय बजट नहीं है, साल में एक बार आता है तो बजट रहता है. कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर.